कोर्ट में आज चलान होगा, वो साबित होगा सच किया झूठ किया। उसके पहले दो तीन साल की बात है, बखूबी बेली चलाने के अंदर मेरे को लगाया गया एक रेप का केस, वो भी बिल्कुल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, उसमें कोई सबूत नहीं था। मेरी अपील है गवर्नर साहब से, मेरी अपील है गवर्नर के प्रशासन से, मैं गरीब आदमी, मुझे मत दबाया जाए, मुझे मत दबाया जाए। लेकिन जो जो के जम्मू के अंदर जितना भी हमारा डैमेज हुआ है, जम्मू के अंदर जितना भी हमारा गुजर बुकराल को उठाया गया, ये लोग रहते हैं यहाँ पर 40 साल के या 20 साल के बिना नोटिस के, इन लोगों को मैं पहुँचता रहा हूँ हर जगह में, और खासकर भाटरपुर जो जितना भी हुआ है, और आपको पता है बाखूबी है, चाहे वो काना चक से लेकर हीरा नगर तक जितने भी लोग मरे हैं वो हमारे ही लोग मरे हैं। उसके बावजूद आईजी साहब को मैं आज याद कराता हूँ, मैंने रिटर्न में लेकर आईजी साहब को दिया, मैंने कहा आईजी साहब जम्मू के अंदर हमारी ड्रग्स का मसला जो है, ड्रग्स और नशोई चीजें जो है, चर्स है, वो बहुत बड़ी मतलब फैल गई है, हमारे बच्चे जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए, जम्मू को एक हम गुलदस्ता समझते हैं, जम्मू जो है वो हर कम्युनिटी का आदमी रहता है, हम नशे को। जी मैं चौधरी नजाकत खटाना गुजर बुकराल तहरीक इंसाफ से बोल रहा हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा है जो कि हाल ही में आपने देखा था, 26 से 27 तारीख को मेरे को उठाया गया था जनसीयू ने, उसके बाद पुलिस की कस्टडी में मैं था, उसके बाद 8 दिसंबर को मेरे को छोड़ा गया कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट ने जमानत दी। एक मेरे पर साजिश तरीके से बनाकर एक केस है लगवा के, एक ज़मीन का मुद्दा उठाकर, जी ज़मीन ये बेचे इसने फलानी फैमिलियों से, फलाने लोगों से, वो लोग खड़े करके, एक सोनू नाम जमील का एक आदमी है इसमें, ये गांधीनगर में रहता है, वो पटवारी जो है, एक आज नायब तहसीलदार है, बौद्ध राज नाम का आदमी है, खोड़ के अंदर है वो, खोड़ में आप नायब तहसीलदार है, वो सबूत कोर्ट देखेगा क्या है। लेकिन मेरे को टॉर्चर किया गया हर दिन, मतलब एक तरीके से टॉर्चर किया गया। उसके बाद मुझे बोला गया जी तू एक चरस का काम करता है, और इसका चरस का मतलब इसका ड्रग्स का काम करता है। ये चीज़ों से मैं पहले ही समाज के अंदर, मैं पहले ही आईजी साहब को मैंने बाखूबी रिटर्न में लेकर दिया था, मैंने कहा आईजी साहब जम्मू के अंदर जितना ये नशा फैल गया है, चाहे वो लखनपुर से लेकर भनाल तक जितना भी ये नशा फैल गया हमारे जम्मू में, और इस पर कंट्रोल दिया जाए, और रिटर्न में मैंने लेकर दिया। आपको बाखूबी पता होगा हमारे कुछ लड़कों की कैजुअल्टी भी हुई है, काफ़ी बठिंडी के अंदर है, चौधरी के अंदर है, जगह जगह। उसके बावजूद जो कि जम्मू के अंदर जो हमारे लोग बैठे हैं, चाहे वो कुल्ले वाले हैं, चाहे वो कच्चे हैं या पक्के हैं, ये नोटिस नहीं देते हैं, बिना ये वार करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदुस्तान का कहता है भाई इन गुजर बकराल को आप बसाया जाए, फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं, फॉरेस्ट एक्ट ये राइट कहता है जी, जंगलों में जो हमारे ये लोग हैं ये बसाया जाए, और जगह जगह ये लोग हमारे बसाया जाए, ये लोग कहाँ जाएंगे? चाहे वो LOC के लोग मारे हुए हैं, जम्मू के अंदर आए हुए हैं 30 साल है, 40 साल है, चाहे वो बॉर्डर के लोग हैं, मैं ये चाहता हूँ इंसाफ मेरे साथ किया जाए, और हर चीज का जो कहे मतलब इस तरीके से हर चीज का जो एक देखा जाए जी, जो मेरे पर दबाव किया गया ये झूठ है, और बिला वजह मेरे पर ये एक गेम बनाकर कई लोगों ने दबाया गया, चाहे वो सियासी लोग है, चाहे वो है, मैं गवर्नर साहब से हाथ जोड़ता हूं और गवर्नर के प्रशासन से हाथ जोड़ता हूं जी, मेरे साथ बेइंसाफ किया जाए, बेइंसाफी ना किया जाए।